बाजी फ्रीकी एली इन्होंने लिखी भी है, प्रोड्यूस भी की, डायरेक्ट भी की है, और अरबाज भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें निभा रहे हैं। तो भाई ये पहले से आपने सोचा था अरबाज भाई को देना रोल, या किस किस को प्यार करूं मैं इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देख के डिसाइड किया आपने? देखो बाकी के सब जो एक्टर्स थे जी वो पैसे मांग रहे थे। अच्छा, तो जो एक्टर फ्री में आ जाए एक तो फ्री में ले लो, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, बट हिट होने के बाद पैसे लूंगा मैं। हाँ। ये तो आपका बनता है। आपका वैसे काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई। दो साल में सुपर हिट फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। फिर एक डेढ़ साल तक उसके पैसे गिनते रहते हैं। फिर दो तीन फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर नई फिल्म तैयार। तो भाई दबंग 3 कब आ रही है आपकी? 2018। देखा मैंने कहा था। अच्छा, सोहेल भाई ने औजार बनाई, हेलो ब्रदर बनाई, नहीं नहीं बड़ी अच्छी फिल्म थी। हर बार अपनी फिल्म में अरबाज भाई को कास्ट करते हैं। नहीं, औजार में नहीं था मैं, मैंने पहले इनको शुरुआत सलमान के साथ कराई। हाँ, लेकिन उससे इक्विवेलेंट थे, संजय कपूर थे। डार्लिंग डार्लिंग संजय, लव यू टू। ऐसी बातें करते कि बाद में कवर करना पड़ता है। तो मैं ऐसे भाई, आपने कभी इनको अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया? आपकी नजर में अच्छा एक्टर नहीं है सोहेल भाई? नहीं नहीं, ये मेरी नजर में अच्छा एक्टर नहीं है। सही है, लेकिन सही है। ये अच्छे इंसान है, अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे एक्टर नहीं है। बट चक्कर ये है कि इनकी नजर में मैं भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ, ये भी फैक्ट है। नहीं 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 यार, क्या कमाल का एक्टर है। कवर करूं? अच्छा एक बात बताओ सोहेल भाई, ये जो फ्रीकी अली है बेसिकली ये गोल्फ खेलते हुए एक शख्स की कहानी है, एक आम आदमी जो गोल्फ में बड़ा अच्छा है और किसी को पता नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है। तो ये आइडिया आपको गोल्फ खेलते हुए आया था? मुझे एक स्पोर्ट्स पे फिल्म बनानी थी, सो वी थॉट अबाउट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि अगर एक बंदा जो है जो अनअज्यूमिंग है, वो जाके एक अमीरों का स्पोर्ट जो बोलते ना, क्या एक मिसकंसेप्शन है क्या सिर्फ अमीर और रिटायर्ड लोग गोल्फ खेलते हैं, तो ही स्टार्ट्स प्लेइंग द गेम और कैसे वो आगे बढ़ता है। अच्छा सिद्धू भाई, अमीरों का खेल क्यों बोला जाता है, मतलब पैसे वालों का खेल क्यों है गोल्फ? कई गोल्फ कोर्सेज पे 4-5 हज़ार रुपए दिन का किराया लगता है खेलने का, और वो जो उसका इक्विपमेंट भी है वो बहुत महंगा है। तो फिर आम आदमी कहाँ वहां जाके मतलब एक दिन का 4-5 हज़ार खर्च के खेलेगा। लेकिन अगर ये लत लग जाए ना तो इंसान अपनी बीवी भूल जाता है, ये पक्की बात है। एक्चुअली ये पैसे वालों को खेल इसलिए भी है ना, आप देखो एक तो इतना बड़ा किट चाहिए आपको, एक बंदा चाहिए उसको उठाने के लिए, फिर आपने बॉल मारी, फिर एक ढूंढने के लिए चाहिए, एक कार रखी होती है वो बैटरी वाली, उसमें बैठ के जाते हैं, देयर वाज द बॉल, पता नहीं सारा सारा दिन ढूंढते रहते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा महंगा गेम है, तो वही बड़ा महंगी आती है इसकी जो हॉकी होती है, लोहे वाली हॉकी, अंग्रेजों की गेम थी ना भाई ये वैसे भी। हाँ जी हाँ, वही कर सकते हैं ऐसे काम। इसलिए हम अभी उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे तो गेम बड़े थकाने वाले होते हैं, इंडियन गेम, खो खो देख लो आप, धक्का मार के भागना है फिर उसने पकड़ना है, 15 मिनट में थकावट। अच्छा भाई सीरियसली एक क्वेश्चन है सिद्धू भाई ने कहा था पूछने के लिए, कहते यार खान ब्रदर्स जब आएंगे इनसे पूछना कि आप जब एक दूसरे की फिल्म करते हैं तो पैसे नेगोशिएट करते हैं क्या, फैमिली के लिए फिक्स रेट रखे हुए हैं आपने? आपस में बनाएंगे तो हम इतना, तो मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जिसको जरूरत ज्यादा होती है उसको दे देते हैं। आइए भाई प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां हो जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.